मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपिक तनवीर में। दोस्तों, आप सब लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कई बार अपने माउस के पॉइंटर को चेंज किया होगा, लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने ट्राई किया कि हम अपने माउस के पॉइंटर में अपनी फोटोज या अपने देश का झंडा या कुछ और लगा सकते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने माउस के पॉइंटर में जो भी माउस पॉइंटर होता है वहां पे अपने देश का झंडा या जिस भी देश से, जैसे मैं इंडिया से हूँ, कैसे हम तिरंगा लगाएंगे और जहां पर माउस पॉइंटर होगा वहां पे पूरा तिरंगा शो करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे इंडियन फ्लैग कर्सर, इस पे क्लिक करेंगे और ये पहला लिंक दे रहा है। कई ऑप्शन मिलेंगे, आप पहले लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, इस पर हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग कि डाउनलोड हो गया है, और जैसे ही डाउनलोड हो जाता है ये डाउनलोड हमारा फाइल हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम कर देंगे कट। कट करने के बाद आप आइए, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपने कंप्यूटर को ओपन कर लेते हैं जहाँ पर डाउनलोड हुआ होगा फाइल। तो हम डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद ये हमारा है SYM 65। इसको क्या कर लेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अपने हम फिर कंप्यूटर को ओपन करेंगे और कंप्यूटर ओपन करने के बाद एक लोकल डिस्क सी दे रहा है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज़ का ऑप्शन मिलेगा। विंडोज़ में जाने के बाद हम कर्सर एक फोल्डर दिखे, कर्सर वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा सी ड्राइव के विंडोज फोल्डर के अंदर कर्सर में आ गया है। उसके बाद स्टार्ट बटन पर जाएंगे, फिर हम कंट्रोल पैनल पर जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद फिर माउस पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद पॉइंटर पर जाएंगे और फिर हम यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दे रहा है। ब्राउज पर जाने के बाद अगर आपका बाय डिफॉल्ट कर्सर वाला नहीं ओपन होता है तो आप सेटिंग में जाकर के यहाँ चेक कर सकते। अब हमारे फाइल क्या नाम था, SYM 65, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपका कर्सर जो है वह इंडियन फ्लैग आ गया है। अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा कर्सर लग गया है।